अपडेट और खबरों के लिए टीवी वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। एनएमएमसी पर फहराएंगे शिवसेना का भगवा, कार्यकर्ता सम्मेलन में शिवसेना नेताओं की हुंकार। राज्य में सरकार बनाने के बाद उफान पर चल रही शिवसेना अब नवी मुंबई मनपा पर सत्ता कायम करने की तैयारी में जुटी है। सानपाड़ा के वडार भवन में रविवार को आयोजित कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में शिवसैनिकों की गूंज इस बात का सबूत रही। मनपा में नेता विपक्ष विजय चौगुले, जिला प्रमुख विठल मोरे, द्वारकानाथ भोईर एवं नगर सेवकों की उपस्थिति में उपनेता विजय नाहटा ने जोर देकर कहा कि अब की बार महानगर पालिका में शिवसेना का भगवा फहराएंगे। हालांकि चुनाव महाविकास अघाड़ी के साथ लड़ेंगे या नहीं, इस सवाल पर विजय नाहटा ने कहा कि इसका फैसला मुख्यमंत्री और पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे लेंगे। मुंबई महापालिका के इलेक्शन 2020 में होने वाले हैं। यहाँ फाइनल सिस्टम का जो कार्यक्रम है उसकी प्रोसेस शुरू हुई है, लेकिन हमारे सभी कार्यकर्ता सभी नगर सेवकों की ये इच्छा है, ये जो फाइनल सिस्टम है लोगों के काम के हिसाब से अच्छी नहीं है, इसलिए हमने माननीय मुख्यमंत्री साहब को रिक्वेस्ट की और हमारी रिक्वेस्ट के ऊपर उन्होंने गौर करते हुए आज के सचिव लाया था। आने वाला जो चुनाव है ना मुंबई महापालिका वो वार्ड सिस्टम के मुताबिक होने के लिए आज कैबिनेट में मंजूरी नहीं हुई, तो अब उसके आगे जो कानूनी कार्रवाई है वो की है। अभी तक महाअघाड़ी का जो फॉर्मूला है उसके बारे में चर्चा हुई नहीं, लेकिन नवी मुंबई का माहौल देखते हुए और हम लोगों का आपस में जो व्यवहार है बहुत अच्छा व्यवहार है कांग्रेस और राष्ट्रवादी के साथ हमारे यहाँ, तो हम लोगों के लिए बरकर राय है कि अघाड़ी के साथ नवी मुंबई ने इलेक्शन जीता तो जीत और आसान हो जाए, जीता अगर लड़ा तो जीत आसान है। के कार्यकर्ता सम्मेलन का उद्देश्य 2020 में होने वाली नवी मुंबई मनपा चुनाव की रणनीति तैयार करना था, जहां वरिष्ठ नगर सेवक एम के मड़वी और नेता विपक्ष विजय चौगुले में राजनीतिक वर्चस्व को लेकर इशारों इशारों में नया टकराव देखने को मिला। वहीं कुछ पदाधिकारियों द्वारा एक ही घर में कई नगर सेवकों को टिकट दिए जाने का मुद्दा उठाए जाने पर तल्ख टिप्पणियां भी सुनने को मिली। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी वन इंडिया।